हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक वीटी ग्राफ दे रखा है, आपको दिख रहा होगा। और इसमें हमें रेशियो फाइंड करना है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वीटी ग्राफ है, अगर आप उसमें एरिया फाइंड आउट करते हो तो उस एरिया से हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिलता है। अब क्योंकि हमें ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट जो है, स्टार्टिंग टाइम से लेकर एंड टाइम है 25 सेकेंड्स का, तो टोटल 25 सेकेंड्स का आपको डिस्टेंस भी फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट भी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पहला वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका एरिया फाइंड करते हैं। और इसके एरिया को मैं A1 नाम दे रहा हूँ। आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाकर करें तो वो जाएगा 1/2 × 5 × 10, और ये हमारे पास 25 मीटर आ जाएगा। इसके बाद आप अगला रीजन देखें, अगला रीजन ये है हमारे पास, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का है तो इसका अगर तुम एरिया निकालोगे तो वो आपके पास होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास ये रही और ब्रेथ हम इसको ले लेते हैं, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। अगला जो रीजन है जिसका एरिया हमें फाइंड करना है वो रीजन ये है। अब ये वाला रीजन आप देख सकते हैं, ये एक ट्रिपीजियम है, मैं यहां पर अलग से दिखा दे रहा हूं। ट्रेपेज़ियम के एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको ए ले लूं और इसको बी ले लूं और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एच है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम का फॉर्मूला होता है 1/2 sum of parallel sides × height। तो ए कितना है अगर देखो तो ए ये रहा, ये है ए, ठीक है। तो ए है हमारे पास 10, तो ए की जगह तो 10 आ जाएगा। बी क्या है, ये पूरा का पूरा बी है, ये कितना आ जाएगा, 20। और एच कितना है, एच यहां से यहां तक है, जो कि कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप ये पूरा फॉर्मूला लगा के देखें, हाफ इंटू जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो हाफ इंटू ए की जगह 10, बी की जगह 20 × ये हो जाएगा 5, ये 30 हो गया। 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, 15 × 5 = 75, तो ये 75 मीटर आ रहा है, आप भी एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद ये हमारे पास जो है अगला रीजन है, ये भी एक ट्रायंगल है, इसमें हाफ इंटू बेस कितना है, 5, और हाइट कितनी है हमारे पास, 20 है, तो सॉल्व करोगे तो ये 50 मीटर आएगा हमारे पास। तो जो A4 रीजन है उसका एरिया 50 मीटर आ गया। अब A5 निकालते हैं, A5 जो है ये लास्ट वाला रीजन है, इस वाले लास्ट वाले रीजन का निकालोगे तो 1/2 इसका बेस कितना रहेगा, 5 रहेगा, और इसकी हाइट कितनी रहेगी, 20 रहेगी, तो हमारे पास ये आंसर भी कितना आ जाएगा, 50 मीटर। तो लास्ट वाले का आंसर भी 50 मीटर आ गया। तो क्योंकि आपको अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, ध्यान रखें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव काउंट होता है, तो पॉजिटिव काउंट होता है, तो ये जितना भी एरिया मैंने यहां पर अभी निकाला, 5 के 5 एरिया निकाला, तो 5 के 5 एरिया को आपको पॉजिटिव सेंस में लेना है और सबको ऐड करोगे तो ये 250 मीटर आ गया। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, एरिया को पॉजिटिव भी लेता है और नेगेटिव भी लेता है, तो इतने हिस्से तो पॉजिटिव आ रहे हैं और ये वाला हिस्सा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करता है, जो कि ये है, ये वाला रीजन आपको दिख रहा होगा, मैं इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये जो रीजन है ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है और बाकी इतना हिस्सा क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो इतने हिस्से के एरिया को अगर मैं इतने हिस्से के एरिया से ऐड करूं तो ये रहा इतने हिस्से का एरिया जो है 200, और ये आपके पास है 50, तो क्योंकि ये नेगेटिव में काउंट होगा तो दोनों को ऐड करोगे तो 150 आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ गया, 150। और आपको पता है आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्टेंस 250 है, डिस्प्लेसमेंट 150 है, तो ये 25/15 आ गया, 5/25, 5/3, तो 5/3 आपका रेशियो आ चुका है। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।